बारी बारी से आकर आपके सामने अपनी कलाकारी का बड़े अच्छे तरीके से परिचय दे रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन यही, जिस प्रकार से आपने सारी रात्रि जिकड़ी भजनों का आनंद लिया है, कृपया उसी प्रकार से लेते रहे। आइए, कवि चार लाइन लिख रहा है, छोड़ दिया कुछ ऐसे शब्दों को, लिख दिया कुछ ऐसे शब्दों को जो आज भी हमारी समाज में अपना वर्चस्व, अपना बोलबाला, अपना स्थान लिए हुए हैं। ध्यान करिए, गौर से सुनिएगा, चार लाइन लिख रहा है कवि भैया धर्मवीर चाहड़ जी। कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा और कौन रहा वो ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा और धर्म रहा ये जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम है। आप सभी को जानकारी है, विद्युत है, सारी बातों को आप जानते हैं। जिकड़ी की शुरुआत, जिकड़ी का जो स्वापा हुआ करता है, जैसे इंसान के अंदर मेन चीज हुआ करती है रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही जिकड़ी की जान, जिकड़ी की मर्यादा साखी, और जिकड़ी की साखी सिर्फ दो लाइन की हुआ करती है। और एक बार सब फुर्ती में आके दोनों हाथ ने खड़े कर लियो, जिन जिन को ठाकुर जी ने दो सुंदर सुंदर हाथ दे रखे, तमे त्यारे पड़ोसी की सौगंध है, घर वाइन की तो ना खबारी, पर पड़ोसी ते कछु जरत होंगे, ऐसे श्रोता बैठे। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार जयकारा बोला गिरिराज महाराज की। और कवि लिख रहा है साखी में भैया धर्मवीर, आज हो और चुनरिया मेरी और पांच रंगन की और मत मैली करियो
की साखी से मिला और गौर करिएगा। कहा अरे बोल मत बोले जहरीले भैया, अरे बोल मत बोले जहरीले और जहरीले आदरणीय हमारे भैया जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्रोता बंधु, प्रसंग वही मेरा जो मैं आपके समक्ष आपके सामने अपने प्रथम नंबर पर छोड़ कर गई थी। आहा, आज गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया। कहने लगी महाराज आपसे एक छोटा सा निवेदन है, विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। इस लकड़ी के गट्ठर को उठवा कर आप मेरे शीश पर रखवा दे। कैसे इतना बोझ उठेगा भैया, कैसे इतना बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है। अरे राजा आमत देखो वाके आगे है गई। हाथ जोड़ के चंडालिन ने, अरे हाथ जोड़ के और चंडालिन ने नृपते वचन उचारे। अरे भैया सुन राजा घोड़ा, आज गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया। मराठी आ रही है और जवाब दे रही है भैया किस तरीके से कैसे। और मेरे बोझ शीश पे और धरवाए थे वो है तह तह तलक सहारो है। देखो साहब तब में सुस्ताई आ रही है, गवैया सोए जाएंगे और कछु सो गए नंबर पे नहीं आ रहे या पीछे का शब्द बोलते रहो, जाते गवैया ने तसल्ली भई रहे तम सुन रहे कथा है और कह रहा है कभी कैसे। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया, और मंदिर मिल जा भगत तो मिले, मिले भगवान मिले ना पैसा ते और जीव
जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना। और स्वागत और सत्कार मिले, और स्वागत और सत्कार मिले, और रे 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 स्वागत और सत्कार मिले, स्वागत और सत्कार मिले, पर प्यार मिले ना पैसा दे। और आप भगत का, आप भगत का, आप भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना, लेना। इसलिए कहा और गीत मिले, संगीत तो मिले, पतवृता सिए नार मिले ना, मिले ना। और कहा और दवा मिलेगी पैसा दे, क्या और दवा मिलेगी पैसा दे, और आराम मिले ना पैसा दे। और किशन पाल तेरा, किशन पाल तेरा, किशन पाल तेरा, और किशन पाल तेरा, किशन पाल तेरा, बामन खेड़ा है गांव में लेना पैसा दे, किशन पाल तेरा। राजा हरिश्चंद ने उस औरत को, गौरा मैया को पहचाना नहीं, अर्थ में जवाब दिया के पहल पत्त ही नट गया राजा। श्रोताओं, पहल पत्त ही और नट गया राजा, ना तेरा बोझ उठाऊं। अरे कितने मोते कहे बुढ़िया, ना बोझ के हाथ के जितकू राजा पाम धरे, अरे जितकू राजा और पाम धरे, वो तो उतकु ही नृप को टोके। अरे मेरे बाबा ये गैल भूपकी। आज राजा हरिश्चंद्र ने गौरा मैया के रूप को पहचाना नहीं और जवाब दे रहे। सुनीता बहन जी कह रही, साहब हम लंगड़ा ढोला ना गाएंगे, क्योंकि हमारे ढोलक वाय की टांग ना टूट रही, ना टूट रही। सुनीता भैया बहन जी को जो ढोलक वार हो प्याम पे पलस्तर चढ़ रहा, घर पर बंधर दिलाते हैं। अब सुनिए लंगड़ा ढोला और कवि लिख रहा भैया कैसे, छत्री तू हो।
और है मैं छत्री तू हो सूत्र की नारी और मारन अपने और मारन अपने धनों से देती है धक्का मार और मारन अपने धनों से देती है धक्का मार। ये लंगड़ा ढोला चल रहा है और दो लाइन लिख रहा है कभी अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो सिर्फ अपनी बहन को तालियों का आशीर्वाद दे देना वरना ही कुछ कहना ही नहीं है। और कहा कैसे कहा कसमे वादे प्यार वफा सब पाते हैं बातों का क्या चाचा भी कसमे वादे प्यार वफा सब पाते हैं बातों का क्या और कोई किसी का नहीं जगत में कोई किसी का नहीं जगत में हो नाते हैं नातों का क्या कसमे पाते हैं बातों का क्या। और ये लंगड़ा ढोला चल रहा है और लंगड़े ढोला का जवाब क्या कह रहा है भैया कैसे और एक कमर पे का आशीर्वाद आदने बड़े भैया दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा मेरे भैया रे क्या बात है मेरे बाबा रे ओ मेरे भैया रे हिल की तो भर भर बुढ़िया रो गई ओ मेरे भैया रे हिल की तो भर भर बुढ़िया रो गई और हे रे जाके ले ननते और आए है जाके ले ननते बरस रही है जल की धार मेरे भैया रे हिल की तो भर भर बुढ़िया राम राम जी।